दिया को लेके जाना है, लेने जाना है, लेके जाना नहीं, लेने जाना है। तो लेट हो गए, पहले कैंसिल हुआ था, पहले था रात को कैंसिल हुआ और फिर दोबारा से बन गया प्रोग्राम। तो मैं अब अपना, क्योंकि अभी नई जो आई है ना, काम कर रही हूँ, नई है, ऐसे पूरा घर छोड़ नहीं सकते उनके ऊपर। तो अपना ब्रेकफास्ट करके, और वो तो शुक्र है कि टाइम पे सब कुछ रेडी हो गया। अभी पनीर की रोटी बना रही हूँ और फिर जाऊँगी वहाँ पे। मेरी कल की खिचड़ी भी बची हुई है, वहाँ शायद आते आते थोड़ा रात हो जाएगी। 12:30 बज गए, अब एकदम से 12:30 नहीं, 11:45। अब निकलती हूँ मैं। रेनू को चाबी दे के आई हूँ। ओ देखो ऊपर कैसे बादल हो रहे हैं ना, हमेशा वहीं होते हैं। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे लग रहा है बूंदाबांदी आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, उमस वाली, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है। ऊपर ना बारिश हो रही है, नरेंद्र नगर की तरफ काले बादल हैं एकदम। पीछे वो भैया है ना, बिल्कुल बस चिपका के ला रहे, भगवान कसम इतना चिपका के ला रहे थे ना, मुझे इतना गुस्सा, वो मैं उसको ही देखती आ रही थी। वो जरा से ब्रेक के बाद ना, जैसे मैं ये गैप लेके चल रही हूँ यहाँ पे, इतना तो थोड़ा तो गैप लेके चलो, नहीं मतलब टपका के ही मानेंगे। 7 मोड़ क्रॉस कर लिया, गाड़ी मतलब कैमरा नहीं उठा पाई इसका ना। जो शर्मा जी एक लेके आए थे, इसमें आगे लटका के वो कैमरा लटक जाता था उसमें। अब उसकी ना ग्लू जो मतलब उसकी चिपकाने वाली जो होती है ना, ये लगता है शीशे पे, वो शीशा हीट होता है, तो वो गाड़ी में ही पड़ा रह गया, तो वो गर्म हो, मतलब खराब हो गया। 2 साल चलती हैं ऐसी चीज़ें। अब जब दिया तो चली जाएगी कॉलेज, तो फिर मुझे सपोर्ट के लिए वही रखना पड़ेगा पुरानी तरह से। अपने मुँह की तरफ, मुँह दिखाना हो तो आगे कर लो, मुँह करके बात करनी हो, रोड दिखानी है तो रोड की तरफ कर लो, ठीक है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। पहुंच गई, जल्दी पहुंचना था तो इसलिए रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो पाई। टी अपनी शक्ल दिखा। मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई थी आज, मैं भी ऐसे ही पढ़ के सो गई थी। और अभी आज रिया का बर्थडे है, हम सब रिया के बर्थडे में जा रहे हैं। इसकी मम्मी नहीं जा रही है, इसकी मम्मी घर पे रहेगी, ठीक है ना, टबरी के साथ और हम सब जा रहे हैं, ठीक है। और आज टिया अपनी बर्थडे किसी का होता है, टिया को अपनी पसंद का चाहिए होता है। इसने गाड़ी सीखी है, ठीक है, अब देखेंगे वहाँ चला के, रास्ते में चला कहाँ बच्चा। मैं तेरी इकलौती मम्मी बची हूँ। मैं भी नहीं, दो बेटियाँ। तू अकेली चली जाएगी, मैं पैदल आ जाऊंगी, है ना, खाली रोड पे। सपना डाइटिंग पे है, सपना नहीं जा रही आज, है सपना और टबरी डाइटिंग पे है। ये इसके, हाँ, इसीलिए ये नहीं जा रही है। ये टबरी हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं, चलो। सबरी की डाइटिंग जबरदस्ती। आजकल ये गाड़ी सीख रही है तो ये मुझे गाड़ी सिखा रही है। नहीं, दिया दीदी को बोलो कि क्लच दबाएं तो रेस ना दे। हाँ। क्लच हो जाएगी, गियर बदलते हैं, गियर बदलते हैं। रिया का बर्थडे है, एक्साइटमेंट छोटे बच्चों की इन सबको हो रही है। अगर इनका बर्थडे होता तो ये तो हमारी जान को कलेज करते। उसको नहीं होती, उसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, मुझसे थोड़ी शरीफ लड़की है। हमारे को हमारे में भी होती है और उनके में भी होती है, अपने में भी होती है। मेरा 1 महीने दूर है, मेरे को अभी सेक्स बस, इसको तो मेरे को 3 महीने पहले हो जाती है। मेरा जैसे खत्म होता है, मेरे को अगले दिन से होनी शुरू होती है। अब तो भाई आप तो रिया मेरा बर्थडे नहीं, तो तेरे बर्थडे पे आपकी बात नहीं, घर पे रहानी करेगी, हैं घर पे रहानी करेगी तेरे बर्थडे पे। कौन? तू। आप नहीं आ जाऊंगी, ऐसे बर्थडे पे छुट्टी नहीं मिलती है कहीं से भी। हाँ, स्पेशल तो बड़े हुए हो तो नेशनल छुट्टी मिलेगी। मेरा पेशा मेरा जुनून है, पिंड बलूची है। गाड़ी गलत जगह लगाई, चक्कर ठीक है। अच्छा देखो रिया का बर्थडे है, बर्थडे गर्ल हमेशा लेट होती है, स्पेशल होती है ना। और विदित को देख लीजिए इसकी मम्मी। भाई को खिला पहले। अब हम निकलेंगे सीधा ऋषिकेश, क्योंकि मैं कपड़े नहीं लाई थी और नहीं थोड़ी भाई वो सुबह जल्दी आ जाती है, फिर सुबह सुबह उठ के भागना, इसीलिए अभी 9 बजे हैं, 9 बजे हम चले जाएंगे। इस टाइम तो थानो रोड से जाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि रात को जानवर निकलते हैं पानी पीने के लिए, है ना, बेकार में डिस्टर्बेंस होगी। तो अभी मैं मेन हाईवे से ही जाऊँगी। हाँ, बीच में 7 मोड़ आएंगे, वहाँ वहाँ जा सकते हैं, पर वो मेन हाईवे है तो ट्रैफिक चलता रहता है रात को। वो तो आएगा ही आएगा रास्ते में, नहीं तो फिर हरिद्वार आएगा, हरिद्वार की तरफ से जाओ। रोड तो क्रॉस करेंगे इधर से, इधर से जाने में ही फायदा। थोड़ा सा घूम के आ गया, एक आधा कोई वाहन आ रहा है, कोई बात नहीं, स्कूटर आ रहे हैं, क्या पता आज हाथी दिख जाए, है दिया। ये ऋषिकेश में हम 10 बज गए, 10:10 हो रहे हैं। और मैं तो इधर से ही लिया, बीच में से ही, क्योंकि ना उधर बहुत रश था, वो तो अभी वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे लंबा पड़ जाता बहुत ज़्यादा। तो देखो आज यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। देहरादून में रास्ते में थानों में काफ़ी उधर बारिश थी, कभी होता है इधर बारिश हो जाती है उधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, वहाँ बारिश बहुत थी आज। हम सब रात को ही भागे आए, पूरे रास्ते हमें बारिश मिली है और यहाँ आके सूखा था, लेकिन लग रहा है कि बादल मतलब हो रखे हैं और लग रहा है कि कल तक बारिश अच्छी खासी आ जाएगी। फाइनली कितनी सीखी अब मैं सिखाऊंगी। और रिया का बर्थडे था तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और आ भी गए, लेकिन क्योंकि ना अब नई मेड भी आई है और अब 1 घंटे का फ़र्क होता है, तो रात को फिर क्या होता है अपने बिस्तर पे नींद आती है, बस वो हाल हो। जैसे शिवांगी यहाँ से गई ना तो उसने जाके वहाँ कॉल किया वैनकोर जाके, तो कह रही मम्मी अपने बेड पे आके सोना कितना अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे अपने घर पे थी तब भी वहाँ जाके अपने बेड पे अच्छा लगा। तो ऐसा लगता है कि अपने घर ही जब आसपास हो तो वहीं आके सो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और अपना भी ध्यान रखें। हर हर गंगे हर हर महादेव।